गाइस वेलकम टू सेम एपिसोड। और मेरा बाइक आ रहा है गाइस अभी, और देखेंगे गाइस आज क्या क्या होगा, और आप लोग भी साथ में जुड़े रहे। नहीं, मैं बस स्टॉप तक जाने वाला हूँ बाइक के साथ, और बस स्टॉप से मेरे को कुशल नगर तक जाना है, कुशल नगर से गोल्डन टेम्पल तक जाना है। और अभी मेरा बाइक आ रहा है, आई थिंक यही है, मेरा बाइक आ चुका है इधर, मेरा बाइक आ चुका है गाइस। नो नो, मैं इधर बोल रहा हूँ, वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पर। इधर ओके, भैया ने बोल दिया उधर बॉस मिलेगा कुशल नगर का। ठीक है गाइस, मैं उधर जाके मिलेगा अभी। तो है गाइस, फाइनली मैं अभी बस स्टॉप पे सब यहाँ पे आ गया। आप लोग सोचते होंगे सीधा बाइक से आया, लेकिन मैं बाइक से नहीं आया, सीधा बस से आया, क्योंकि उधर बाइक से आने के बाद में मेरे को बस नहीं मिला। और अभी यहाँ पे पूछेंगे कहाँ पे मिलता है वो कुशल नगर का बस। कुशल नगर बस इधर है, ये लीजिए कुशल नगर बस। अभी उधर मिलेंगे गाइस, इधर पूछना है हमको, और देखेंगे गाइस आज क्या होता है। मतलब जैसे मैं बाइक से आया, उधर बस ही नहीं मिल रहा था मेरे को, तो उधर मैंने पूछा था बस मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुशल नगर का, उन्होंने बोला एक बस पकड़ के चले जाओ और उधर मिलेगा बोल रहा था। अभी पूछेंगे, एक्सक्यूज मी सर, कुशल नगर बस, कुशल नगर आप चलिए। गाइस हमें फाइनली मिल गया बस, एक्सक्यूज मी सर, कुशल नगर बस भाई, कुशल नगर बस भाई, गोतिला ये तो कुशल नगर बस, कुशल नगर वगला इला वगला ये ली दिया ना कुशल नगर बस, सबरत इली इला जस्ट फार इदे इदु लेकुकले सबर को इली ई बस ले सबर को ओके। Can you speak in English? This bus will go to Sabar. Okay, this bus will go to Sabar. This Sabar, Kushal Nagar bus will go. Okay. How many far from here? 2 kilometers. 2 kilometers, right? Can I sit there? Can you suggest me? और ये बस तो नहीं जाएगा बोल रहा है, और अभी देखेंगे गाइस यहाँ से थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर जाने के बाद में वहाँ पे बस मिलेगा कुशल नगर का। और काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है हमको, पता नहीं क्या होगा आज, कुछ भी नहीं खाया अभी तक ब्रेकफास्ट वगैरह भी, ये चेक करो गाइस। जो मैं पहले बस से आया था उधर, मतलब वीडियो नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोग था, और मैं भी मेरे को भी सीट नहीं मिला, मैं भी खड़े खड़े आया, उधर से सीट नहीं मिल रहा था गाइस, मैं वीडियो कर नहीं पा रहा था। अभी हम लोग जा रहे हैं, और अभी जो ये नेक्स्ट स्टॉप आने वाला है उसमें उतर के कुशल नगर का बस पकड़ना है। और आप लोग देख रहे होंगे जो ये भैया है, ये थोड़ा सजेस्ट कर रहा है मेरे को कहाँ उतरना है, क्या करना है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है इधर। जो सुबर बस स्टॉप है उधर जाने के बाद में उतरेंगे, और फिर से दूसरा बस पकड़ना है मेरे को गाइस। चेक करो गाइस, मैं अभी वो जो मैं आ रहा था उस बस से निकल गया। अभी ये चेक करो गाइस, अभी कुशल नगर का बस पकड़ना है मेरे को, ये चेक करो गाइस, पता नहीं कौन सा है, यहाँ से किसी को पूछना पड़ेगा मेरे को। एक्सक्यूज मैम, कुशल नगर बस ले लीजिए, लास्ट जो कुशल नगर का बस है ये लास्ट में है गाइस। और आप लोग को थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज पता होना चाहिए यहाँ पे आने से, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है गाइस। एक्सक्यूज मी सर, कुशल नगर बस गाइस, कुशल नगर बस आई थिंक यही है। एक्सक्यूज मैम, कुशल नगर बस, कुशल नगर बस, ओके दिस इज कुशल नगर बस गाइस, फाइनली आई गॉट कुशल नगर बस गाइस, फाइनली आई गॉट कुशल नगर बस। और मैं बस में आ चुका हूँ, अभी ऑलमोस्ट टाइम आपका ज़्यादा ही हो चुका है, मतलब पता नहीं मैंने क्या सोचा था, ऑलमोस्ट टाइम आपका 10 बज चुका है, और यहाँ से थोड़ा टाइम लगेगा, पता नहीं कितना लगेगा। अभी कुशल नगर जाने के बाद में फिर से मेरे को ऑटो पकड़ना है, ऑटो पकड़ने के बाद में फिर से
गोल्डन टेम्पल जाना है वहाँ से वहाँ तक, और कितना टाइम लगेगा क्या लगेगा मेरे को ये भी पता नहीं कि मैं गोल्डन टेम्पल से रिटर्न आने के बाद में कहाँ पे मतलब ऑटो मिलेगा, क्या है बस किधर मिलेगा, रेलवे स्टेशन का बस कहाँ मिलेगा, कुछ भी पता नहीं है। फिर भी मैं गाइस फाइनली बस चल चुका है और आप ये चेक करो गाइस कितना खूबसूरत खूबसूरत। बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत ही अच्छा। और आंटी आंटी हेलो निम्म हेसरु संडम्मा निम्दु मने एल्लि मुंगसूर ओके इदु कुशल नगर इदु फार इदे स्वल्प नीचेने ओके कुशल नगर जास्ति फार इदे ओके निम्म हेसरु रेखा ओके यस हर नेम इज रेखा एंड हर नेम संगमा चनागी दे ओके गाइस अभी हम लोग को आंटी दीदी वगैरह मिल चुका है, वो लोग भी जा रहे हैं मतलब कुशल नगर नहीं जा रहा है, वो लोग कुशल नगर से थोड़ा पास में है वो लोग का, लेकिन मेरे को जाना है कुशल नगर बहुत ही दूर है यहाँ से, ये तो जास्ती दूर ही दे। ये चेक करो गाइस ये इतना खूबसूरत वाव इतना अच्छा दिख रहा है ना गाइस वाव वाव वाव। लाइफ में आप लोग भी मतलब चले जाओ घूमने के लिए कभी कभी, और दोस्त होना चाहिए लेकिन ऐसा दोस्त बनाओ आप लोग कुछ भी हालत में वो लोग साथ आए। और लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है गाइस जब आप फोन से बाहर निकलते हो और दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकलते हो, थोड़ा कुछ सीखने को मिलता है आप लोग को। आप लोग भी मैसूर आर्माने ओके मैसूर आर्माने वाओ गाइस जास्ती चनागिदे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये देखो गाइस ये देखो इदु मेन गेट मैसूर मेन गेट ओके ये मैसूर मेन गेट है गाइस ये वाला, ये अभी जो मैंने दिखाया आपको ओके हमको ये दीदी लोग सजेस्ट कर रहा है मेरे को ठीक है ना। वाओ ये चेक करो गाइस मतलब इतना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस है, इतना अच्छा अच्छा प्लेस है। आप लोग भी घूमने के लिए जाओ गाइस। बहुत ही ज्यादा भूख लग गया है गाइस मेरे को, अभी खाना भी नहीं खाया है। फाइनली हमारा इधर भैया मिल चुका है, भैया हमारा मतलब सेम हम लोग बुद्धिस्ट है और हमारा भैया भी बुद्धिस्ट से बिलोंग करता है, और मैं भी बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात है हमको भैया मिल गया। भैया मतलब हम बोलता है आज्ञा चोचो चोचो बोलता है हम लोग, और बहुत ही खुशी मिला। और मैं जहाँ पे जा रहा हूँ हमारा चोचो भी वहीं पे जा रहा है, और हमारा चोचो का नाम है करमाला राइट। हमारा चोचो इज फ्रॉम लद्दाख और बहुत ही सुंदर बहुत ही ब्यूटीफुल जगह से है, आपको सुनाई दे रहा होगा अभी। और हम लोग साथ में जा रहे हैं वहाँ पे जाके थोड़ा सा बात करेंगे, अभी हवा ज़्यादा दे रहा है। अभी ये कौन सा जगह है? ये प्रिया पटना ये वाला जो जगह है प्रिया पटना है, अभी नेक्स्ट स्टॉप वही है ना हमारा? हाँ हमारा वही है कुशल नगर। अभी जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो वाला कुशल नगर होगा, वहाँ से फिर से हमको ऑटो पकड़ना है। तो है गाइस फाइनली हम लोग बस से उतर चुका है और चोचो के साथ में मैं भी जा रहा हूँ। और कहाँ पे गोल्डन टेम्पल ओके किधर? ओ उधर हाँ बोर्ड लिखा है ना उधर बोर्ड में है गाइस, ये वाला बोट में है।
अभी यहाँ से हमको गाड़ी पकड़ना है, अभी यहाँ से ऑटो पकड़ना है। ओके ऑटो पकड़ना है। गोल्डन टेम्पल चलो, हम दोनों जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल की तरफ। हम दोनों जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल की तरफ और आप लोग देखते रहना गाइस, स्किप नहीं करना है। और ये साइड से जाता है ओके। अगर हम लोग कुशल नगर में उतरेंगे तो 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर हाँ 2 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा। आप लोग को यहीं से कोपा से आप लोग मिल जाएगा, आप लोग को यहाँ से सामने पड़ता है, जाना होगा तो कोपा से नज़दीक पड़ेगा। हाँ कोपा से नज़दीक पड़ता है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ कल रात से ट्रैवल कर करके। कल रात भी वीडियो एडिट करके इतना ज़्यादा नहीं सोया मैं, 3 AM को सोया था। अभी थोड़ा नींद भी लग रहा है गाइस। अभी मैं मॉनेस्ट्री में जाके दर्शन वगैरह करूँगा, उसके बाद में फिर से वापस जाना है मेरे को, क्योंकि रात का ट्रेन पकड़ना है मेरे को जैसे करके भी। तो है गाइस फाइनली हम लोग मॉनेस्ट्री पहुँच चुका है। लामा लोग भी है इधर, वाओ बहुत सारा है गाइस, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। वाओ फाइनली आई गॉट इट मॉनेस्ट्री। बहुत ही पीसफुल है गाइस, बहुत ही पीसफुल है। और ये चेक करो, बहुत ही बड़ा है गाइस, जितना मैंने सोचा उससे तो बहुत ही बड़ा है। मुझे थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है क्योंकि मैं इधर अकेला हूँ ना, मेरा दोस्त लोग नहीं है, अकेला वीडियो करके चल रहा हूँ भाई मैं। ये चेक करो, एक्सक्यूज मी, हाय, योर नेम चुरंगी मिंग पिकी सिंगी है, पिकी सिंगी मारे है। ओके ब्रदर बेगी सिंगी है, हिंदी एस सिंगी है राइट। नेपाली यू आर फ्रॉम नेपाल। ओके आपका नाम छिरिंग। ओके नाइस टू मीट यू ब्रदर। यहीं से अंदर जाना है, इधर से कौन सा वो मेन गेट है ना, वो वाला से। फाइनली गाइस मतलब मैंने हमारा जो गुरुजी को पूछा था, गुरुजी ने बताया इधर से अंदर जाना है मेरे को और अभी जाएंगे गाइस। आप लोग स्किप नहीं करना है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील, मेरे को ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। ये देखो गाइस, मैं भी छोटा में ऐसे ही था, जब मैं छोटा था तब ऐसे ही था मैं भी पहले। और लामा लोक है इधर, जो दिल का सुकून है ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है जब मॉनेस्ट्री मंदिर वगैरह में जाता है, मंदिर में जाता है तब अलग सा सुकून मिलता है गाइस मुझे, पता नहीं पहले जन्म है ना कुछ होगा। ये चेक करो गाइस, चेक करो, वाओ इतना बड़ा है, सोचा नहीं था मतलब सोचा था बड़ा ही होगा, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है, जितना मैंने सोचा था उससे तो बड़ा ही है गाइस। ये चेक करो, हम थोड़ा सा लामा लोग से बात करेंगे। हाय ब्रदर चुरंगी मिंग बेगी सुंगी है। ओके चुरंगी फायल और नेपाल। ओके नेपाली बुझ्छ होला है, नेपालबाट हो यो, कुन चाहिँ रिमु चाहिँ हुनुहुन्छ हजुर? डोङपेमा है। अब पूजा हुनु आँटेको छ तपाईँहरूको, अब कता मतलब पूजा कहाँनिर हुन्छ, यही भित्र हुन्छ कि उतापट्टि हुन्छ, हामी जानु सक्छ उता मिल्छ है? तपाईँको नाम के भन्नुभयो? धर्जे घ्याल्छन्। तपाईँको दावा? ओके म युट्युबमा भिडियो हाल्छु कि, केही हुँदैन होला नि है, केही हुँदैन होला, केही हुँदैन ल। थ्याङ्क यू। अभी हम जो गुरुजी से बात किया है, हम लोग वहाँ पे मतलब वहाँ पे पूजा होने वाला है और यहाँ पे भी होगा आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है। ये देखो गाइस इतना क्या ही बोलो यार, मैं किसी को फोटो क्लिक करने के लिए देता यार, कोई भी नहीं आ रहा है मेरा पीछे पीछे। चेक करो गाइस, और हमारा गुरुजी पीछे बैक साइड में आ रहा है, मैं थोड़ा सा फोटो लेकर गाइस। एक्सक्यूज मी लामा, अब तपाईँहरूको
उयो भक्को पूजाको टाइम भएको ल शेरामा मन्दिर छ छेटा छेटामा अनि यता पनि हुन्छ ऊ ए हजुर यो चाहिँ गुम्बापट्टिबाट हो ल यो फ्लोर लाग्नु भएको छ ए ल तपाईँको घर चाहिँ म नेपाल नेपालबाट हो म तपाईँसँग फोटो लिन सक्छु किन र होइन लिऊँ न एउटा फोटो बहुत ही सुंदर है बहुत ही ब्यूटीफुल है गाइस मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ मॉर्निंग से मैंने कुछ भी नहीं खाया एक चॉकलेट खाया था ठीक है लेकिन मैं यहाँ तक आया मुझे यही चाहिए मेरे को मैं भूखा भी रह सकता हूँ लेकिन मुझे यही चाहिए गाइस लाइफ में अभी हमारा गुरु जी आ रहा है और ये चेक करो गाइस कसी दी ले लामला वन फोटो लामला हम हो सब लोग मेरे को फोटो से रिजेक्ट कर रहे हैं गाइस और पूछेंगे गाइस अभी हार नहीं मानेंगे और पूछेंगे अगर हो सकता है तो ले मैं ले एक ना एक फोटो लेके जाऊंगा गाइस लामाला तपाईहरुको छोपाको टाइम भएको होला पूजाको टाइम भएको होला फोटो लिन सक्छु तपाईहरुसँग आउनुस् न एउटा फोटो सब लोग पूजा का टाइम हो गया गाइस ये चेक करो और पता नहीं मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ पूछूंगा एक बार थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है गाइस लामला भीतर जान सकते ना उठा है ना ये था कौन सा है ये चेक करो गाइस बहुत ही अच्छा है गाइस हजुर साथीहरू पनि आउने कुरा थियो साथीहरू चाहिँ आज काम परेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ सडनली अब आउनु पाइएन तपाईँलाई भित्र जान सक्छ ल फोटो भिडियो एलाउ छ वाओ बहुत ही पिसफुल है गाइस बहुत ही अच्छा है और मेरा बैग यहाँ पे रख देता हूँ ना बाहर इतना गर्मी है लेकिन अंदर बहुत ही ज़्यादा सुकून है गाइस क्या यहाँ से मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ क्या दूसरे लोग भी आ रहे हैं गाइस पता नहीं क्या है जा सकता हूँ तो ठीक है अगर नहीं एंट्री नहीं है तो मैं सॉरी आप सबको सॉरी बोलूँगा मैं ये देखो जितना भी स्टोरी वगैरह होता है जितना भी वो बाप धर्म का बात होता है सब यहाँ पे लिखा हुआ होता है जो भी राउंड होता है ना गाइस जो भी मतलब होता है जो भी राउंड होता है आपको ऐसे लगाना पड़ता है राइट साइड से ऐसे घूम के घूमना पड़ता है उससे धर्म थोड़ा सा धर्म मिलता है आप लेफ्ट साइड से घूमेगा तो इतना वो नहीं होता है फ़ायदा नहीं होता है गाइस ओके अभी मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ मेरे को भी बहुत ज़्यादा भूख लग गया अभी क्या करेंगे अभी वीडियो यहीं पे एंड करेंगे और क्या ठीक है गाइस आप लोग को वीडियो यहीं पे एंड करेंगे और आप लोग अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट और जो भी करना है आपका दिल में जो भी आता है वो करो और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो आज का ब्लॉग इतने में एंड करेंगे और अभी अंदर पूजा वगैरह हो रहा है मेरे को भी बहुत ही ज़्यादा भूख लग गया अभी मैं कुछ भी सर दर्द भी कर रहा है मेरा हेडेक हो रहा है मेरे को भूख लग रहा है अभी फिर से गाड़ी वगैरह पकड़ना है आज मैं नहीं जाऊंगा मैं कल यहां से जाऊंगा कल यहां से निकलूंगा और आज का ब्लॉग इतना ही में ख़त्म करते हैं और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल देन बी सेफ एंड ड्राइव सेफ गाइस बाय थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो